यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए फख्र की बात है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर चुनाव से पहले हमारे बीच में आए हैं। आज सर आपको सबको संबोधित करेंगे और आपके जरिए उत्तराखंड को अपनी नई चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और सभी उत्तराखंड वासियों को जो जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, लगभग 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल बीजेपी ने राज किया। आज उत्तराखंड की जो दुर्दशा है जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन 21 सालों में भ्रष्टाचार को छोड़ के उत्तराखंड वासियों ने और कुछ नहीं देखा। अब आने वाले चुनाव में 5 साल और इनको अगर दे देंगे इनमें से किसी भी पार्टी को, तो और कुछ बदलने वाला नहीं है। ये ढर्रा ऐसे ही चलेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे, यही नारे होंगे, यही बातें होंगी, बदलेगा कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूँ इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूँगा, उसके बाद दूसरी बातें 10-पॉइंट एजेंडा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है, डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह एक दो दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10-पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती, उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए, अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की, पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे, यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार,
दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या MLA के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए, या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे ख़त्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000-1,000 रुपये, 18 साल से ऊपर की हर महिला को, उसकी ज़रूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000-1,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे, हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते। उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, वैसे यहाँ भी करेंगे। और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम, जिसमें एक चार लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम ख़त्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जो कि गांव-गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके ज़रिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं हमने। आज लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते अमीर लोग, वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में कोई बीमार हो जाए, अगर उसे बुखार हो और क्रोसिन चाहिए, वो भी फ्री है। और अगर उसे कैंसर हो जाए या कोई ट्रांसप्लांट कराना हो, वो भी फ्री है। 2 करोड़ लोगों का, हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त हमने सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड वासियों का भी हर व्यक्ति का इलाज, मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेंगे। और अच्छा इलाज, मुफ्त का मतलब ये नहीं खराब होगा। सड़कें ठीक करेंगे। आज जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और सड़कों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर, लोग गांव-गांव के अंदर, ये सड़क 10 दिन पहले बनी थी और आज टूट गई। क्यों टूट गई? उस ठेकेदार ने कौन से मंत्री को पैसे दिए, किस MLA को पैसे दिए, किस अफसर को पैसे दिए? सड़कें बनती है, टूट क्यों जाती है? ये बंद करेंगे, सड़कें बनवाएंगे भी और सड़कों की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। हमने गारंटी दी थी तीर्थ यात्रा की। हर उत्तराखंड वासी को अयोध्या जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे दूसरे लोग हैं, उनको, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके तहत बहुत सारे लोग, अभी तक लगभग 40,000 लोग अलग अलग स्थानों के तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। जब वो वापस लौटते हैं, उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए, इतने खुश होते हैं। हमने कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे, टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा
और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन रिटायर्ड सैनिकों को 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कभी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई कहीं नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों भाई, 17 साल जब वो फौज में रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नल साहब से डिस्कस कर रहा था, उनको मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको तरह तरह का। वो फौज से निकलने के बाद देश के प्रति लॉयल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं। इतना बड़ा रिसोर्स देश का खराब होता है, तो हमने तय किया है उन लोगों को सरकारी नौकरी, सबको जो भी रिटायर होकर आते हैं उत्तराखंड वासी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये सरकार उन पर एहसान नहीं कर रही, हमें लगता है ये सरकार का बहुत बड़ा एसेट है जो खराब हो रहा है, उनको उत्तराखंड के नवनिर्माण में इस्तेमाल करेंगे। और दिल्ली में जैसे हमने किया, दिल्ली में हम, दिल्ली के रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है ऑपरेशन में, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। उत्तराखंड का भी रहने वाला कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उनको भी हम फौजी या पुलिस वाला ऑपरेशन में शहीद होता है तो उनको भी हम 1-1 करोड़ की वो देंगे। एक मेरे से रह गया था, तीर्थ यात्रा में मैंने अयोध्या बोला, मैंने अजमेर शरीफ बोला, हमारे सिख धर्म के लोगों के लिए दिल्ली में भी हमने किया, करतारपुर साहब भी उनको दर्शन कराने ले जाएंगे। और रिटायर्ड सैनिक जब मैं बोल रहा हूँ, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, इसमें उत्तराखंड पुलिस के जवान भी आते हैं, वो सब आते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने 10-11 पॉइंट बताए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि कर्नल साहब आप लोगों के उत्तराखंड के जो भी इश्यूज़ हैं कर्नल साहब आपको डिटेल्ड मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो बताएंगे। ये सारी चीज़ें मिला के हम शिक्षा फ्री करेंगे। आज एक आदमी अगर अपने उसके 3 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो कम से कम एक बच्चे का 3,000 रुपये महीने का तो खर्चा आ ही जाता है, सो उसके 9,000 रुपये बचेंगे। मैं इस साल दिल्ली में आपको जान के ताज्जुब होगा, 2.5 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, और बड़े बड़े अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, 2.5 लाख बच्चों ने, तो लगभग 10,000 रुपये महीना तो इसी के बच गए। उसके बाद हम बिजली फ्री करेंगे, हर एक का इलाज मुफ्त करेंगे। ये सारी चीज़ें मिला के मैं देख रहा था, कम से कम हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपये का फ़ायदा होगा, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होगा, 2 लाख रुपए का फ़ायदा। तो 5 साल में हर परिवार को कम से कम सीधे तौर पे 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा इन सभी कदमों से। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये हमने सब किया है, दिल्ली के अंदर किया है, और हम ही कर सकते हैं। इस देश के अंदर केवल और केवल हमने ही किया है, और किसी पार्टी ने नहीं किया, केवल हम ही कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, आप दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों को, यार रिश्तेदारों को फोन करके पूछें कि क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हैं। अगर वो कहे नहीं खुश हैं, मुझे उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है, किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अगर हम 7 साल में दिल्ली में इतना कुछ कर सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने 21 साल में क्या किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं। ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को? वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता है अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे। एक दूसरे को बचाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड में 55,000-60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा?
ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें, 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना? नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गए? ये सारा का सारा इनके स्विस बैंकों में, इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी पूरी दुनिया भर में। एक नेता से ये पूछ लो तेरी टोटल वेल्थ क्या है, उसको भी नहीं पता होगा उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, इतना कमा रखा है इन लोगों ने। ये सारा पैसा उत्तराखंड का इन नेताओं ने लूटा है। उत्तराखंड के लोगों के पास आज एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। आज एक ही जरूरत है उत्तराखंड को, एक ईमानदार विकल्प की, और आम आदमी पार्टी वो ईमानदार विकल्प देगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो जब हमारी दिल्ली में पहला चुनाव हम लड़े थे, नई नई पार्टी बनाई थी और पहला चुनाव लड़े थे, तो ये एक समस्या होती है, सर्वे कोई भी नई पार्टी को ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पाते। उस टाइम सारे सर्वे ये दिखाते थे कि इनकी 6% या 7% वोट आएगा। आप गूगल करके देख लेना, 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, 2013 में, हाँ दिसंबर में पहला चुनाव था, 2049 दिन की सरकार बनी थी 2013 में, तो सारे सर्वे ये दिखाते थे कि इनकी 6 या 7% वोट आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। और पत्रकारों में ये था कि सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले, ये नहीं कहते थे जीतेगा, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले। हमारी 28 सीट आई और पहली बार में ही सरकार बनी। तो मेरा ये कहना है कि जनता पे भरोसा, चुनाव उम्मीद पे लड़े जाते हैं। आज उत्तराखंड की जनता को बीजेपी या कांग्रेस से क्या उम्मीद है? मैं आपके पास से 100% सहमत हूँ कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, जब जीतोगे नहीं तो करोगे क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, पहली बार उत्तराखंड का चुनाव लड़ रही है, जनता पे भरोसा कीजिए। और जनता को अगर लगता है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं तो जरूर वोट देगी। मैं हम तो मानते हैं कि पूर्ण बहुमत आना चाहिए, क्योंकि आज किसी भी पार्टी के साथ मैंने इतनी बातें की, अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे जाके पूछ लेना धामी साहब से कि जी ये स्कूल अस्पताल केजरीवाल कह रहे हैं मैं स्कूल अस्पताल ठीक कर दूंगा, आपने 5 साल में क्यों नहीं करे? आपको करने नहीं आते, आपकी नीयत खराब है। हरीश रावत साहब से पूछ लेना जी 10 साल हो गए आपको सरकार 10 साल चलाई, आपने स्कूल अस्पताल ठीक क्यों नहीं करे? आपको करने नहीं आते? उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। वो जनता के बीच में जाके कांग्रेस क्या कह रही है, भाई 5 साल इन्होंने लूट लिया, अब हमारी बारी है, हमें लूटने दो। धामी साहब कह रहे हैं मेरे को तो 6 महीने हुए हैं, 5 साल तो दे दो कम से कम। सर शुभ शुभ बोलिए, प्रार्थना प्रार्थना कीजिए कि हमें पूर्ण बहुमत। आपने जब दिल्ली की बात कही 28 वाली, तब आपने किसी का समर्थन लेके सरकार बनाई थी, तो मैं वही चाह रहा हूँ उत्तराखंड में क्या इरादा है। एक बार 10 मार्च को नतीजे आ जाए, फिर मैं भी यही हूँ इसी देश में, आप भी यही है, फिर बात करेंगे। गोवा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी, वहाँ माइनिंग भी बड़ा इशू है, उत्तराखंड में भी माइनिंग का इशू है, खनन का, तो आम आदमी पार्टी का स्टांस क्या है? माइनिंग जाएंगे आप लोग? स्टांस यही है जी, ये सारा इन्होंने भ्रष्टाचार करके पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया, बड़े बड़े पहाड़ खराब कर दिए, बड़े बड़े जंगल खराब कर दिए, इन्होंने बेईमानी कर करके सारे ठेके दिए हैं, और ये बेईमानी भ्रष्टाचार रोका जाएगा, और इसको ईमानदारी के साथ जो भी सरकारी नीति है उस नीति के साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जो भी खनन करने की जरूरत है उसको अलाउ किया जाएगा। सर अगर क्या बोलते हैं आपका उत्तराखंड में नशा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, सामाजिक मुद्दा बन रहा है, आपने अपने पूरे इसमें नशे को छोड़ रखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। दो मुख्यमंत्री हैं, एक ईमानदार एक बेईमान है। बेईमान मुख्यमंत्री अपने पुलिस वालों को बुलाता है और सबसे क्या कहेगा, हाँ भाई कितने लाए, अपने एरिया में कितनी कलेक्शन हुई अपने। तो जब पुलिस वाले को अपनी एसपी की थानेदार की पोस्टिंग करने के लिए पैसे देने पड़े, हर महीने कलेक्शन करके ऊपर पहुंचाना पड़े, तो वो तो नशा ही बिकवाएगा, नशे वालों के साथ सांठगांठ करेगा। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो अपने सारे अफसरों को बुलाता है,
कहता खबरदार मैं खाल खींच लूंगा तुम्हारी अगर नशा बिकता हुआ मिला तो तुम्हारे एरिया में, तो वो नशा। पुलिस कुछ भी कर सकती है, अच्छा काम भी कर सकती है, खराब काम भी कर सकती है। आपकी नीयत कैसी है, मुख्यमंत्री की और मंत्री की नीयत कैसी है, उस पर निर्भर करता है। यही एक मिनट, यही पुलिस, उत्तराखंड पुलिस आपको चमत्कार करके दिखा देगी। जैसे दिल्ली में सरकारी टीचर है हमारे, पहले कहते थे सरकारी टीचर बड़े खराब होते हैं, पढ़ाते नहीं है, काम नहीं करना चाहते, टीचर आती है पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती है, यही तो धारणा होती है सरकारी टीचर की। इन्हीं मेरे 60,000 टीचर्स ने, मैंने बदले नहीं आने के बाद, इन्हीं 60,000 टीचर्स ने शिक्षा क्रांति करके दिखा दी, उनको माहौल अच्छा मिल गया। यही उत्तराखंड पुलिस नशा बंद करके दिखाएगी, आपको देख लेना ईमानदार। एक मौका दे दो, 10 साल इनको भी देख लिया, 10 साल इनको भी देख लिया, अब 5 साल और इनको दे दोगे, कुछ नया नहीं करने वाले। एक मौका हमें करके देख लो, जैसे दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया, बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड से खत्म हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप आखिरी मत बोलो, दो चार और। हरिद्वार में टिकट बंटवारा काफी देर से हुआ और आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी, क्योंकि जो एंड टाइम पे लोग हैं उनको टिकट दिया, क्या भाजपा से कोई इसमें साठगांठ है, जनता में ये इस समय हवा है? भाजपा से हमारी साठगांठ है, खत्म कर दिया हमने दिल्ली में भाजपा को, उनसे हमारी कांग्रेस साठगांठ है। जनता ने आपको नकार दिया, उसके बाद जो आपके जो चुनाव है नगर पंचायत के और नगर पालिका और नगर निगम के, तो उसमें क्या रहेगा फिर आप? नहीं नहीं, हम सारे चुनाव लड़ेंगे जी, पर आप शुभ शुभ बोलो, नकार दिया क्यों बोलते हो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। दूसरा उत्तराखंड के दो मुद्दे थे, किसान और गंगा, यमुना आप स्वच्छ नहीं कर पाए 7 सालों में, तो गंगा कैसे स्वच्छ करेंगे? मैंने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा अभी लोगों को वो किया है, 2025 तक अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं, मैंने दिल्ली की जनता को कहा है मेरे को वोट मत देना। सर एक क्वेश्चन, 60,000 करोड़ का कर्ज है उत्तराखंड पर, क्या तुम्हारे एक्शन है ताकि वो कर्ज मुक्त हो जाए? देखो जी, दिल्ली पे भी जब हमने सरकार बनाई थी कर्जा भी बहुत चढ़ा हुआ था और हर साल घाटे का बजट आता था। अब दिल्ली का सारा कर्जा हमने साफ कर दिया और दिल्ली में फायदे का बजट आता है। 22,000 करोड़ का बजट था पहला बजट जो मैंने प्रेजेंट किया, 5 साल में इसको बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया। हम उत्तराखंड में ईमानदार सरकार बनेगी, अच्छी नीयत की सरकार बनेगी, घाटा पुराना कर्जा भी खत्म हो जाएगा, घाटा भी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं दिल्ली में तो 3 गुना कर दिया, यहां कम से कम ये डबल हो सकता है, इतने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। आज 55,000 करोड़ का बजट है, ये कम से कम 1,00,000 करोड़ क्रॉस कर सकता है 5 साल में। भाई साहब, मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ, हर राज्य अलग होता है, लोग अलग होते हैं, भाषा अलग होती है, कल्चर अलग होता है, सर्कमस्टांसेस, एक ही चीज होती है जो सरकार चलाती है, नीयत साफ है क्या? अगर साफ नीयत हो, दिल्ली की अपनी समस्याएं थी जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमें तो स्कूल चलाने आते नहीं थे, हमें तो अस्पतालों का भी कुछ नहीं पता था, हमें तो बिजली का भी कुछ नहीं पता था, हमें तो पानी का भी कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें, हमारी नीयत साफ थी, हम बैठे लोगों के साथ जिनको स्कूल चलाने आते थे, हम बैठे लोगों के साथ जिनको अस्पताल चलाने आते थे, और हमने साफ नीयत से मेहनत करके सब ठीक कर दिया। उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है, इससे ईमानदार आदमी मिलेगा बताओ आपको पूरी उत्तराखंड में ढूंढने से? इतना कमिटेड आदमी मिलेगा? अब इनकी नीयत साफ है, ये करना चाहते हैं, जब इनकी पावर नहीं है तभी ये लगे हुए हैं, इतने बच्चों को नौकरी दिला दी, आर्मी में भर्ती करा दिया, तो साफ नियत वाली सरकार आगे बैठ के करेंगे सबके साथ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो 21वीं सदी के राजा हैं, आपका क्या मानना है? उन्हीं से पूछो जी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मेरे को राजनीति, हम दोनों को राजनीति करनी नहीं आती, हमें राष्ट्र निर्माण करना आता है। हमसे स्कूल बनवा लो हम बना देंगे, हमसे अस्पताल बनवा लो, हमसे बिजली ठीक करा लो, हमसे वो आता है, ये गाली गलौज हमको नहीं आती। सर आपने कहा था कि जब मैं सीएम बनूंगा, आपने कहा था जब मैं सीएम बनूंगा या सीएम जब आप रहे, आपने उस समय वादा किया था कि मैं मेट्रो में ट्रेवल करूंगा, मैं कभी सारी सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन आपके पास सब कुछ मेट्रो में आप ट्रेवल करते हुए नजर नहीं आते। यार मेरा एक बयान, मेरे झूठ मत बोलो, कहीं मैंने नहीं कहा, मैं पहले एक मिनट सुनो, मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी, मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है,
मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। मैंने कभी नहीं कहा मैं मेट्रो में चलूंगा, मेट्रो में चल गया यार मुख्यमंत्री बेचारा 4 घंटे मीटिंग में वो नहीं पहुंच। पहले भी मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, अब सरकारी गाड़ी है। मैं पता कर लूंगा जी, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, मैं पता कर लूंगा, अगर कुछ गड़बड़ ठीक कर लेंगे इसको। सर आपकी सरकार बनती है तो पहाड़ पे ट्रेन पहुंच पाएगी? जरूर करेंगे जी, वो जो भी ट्रांसपोर्ट है ये बताएंगे। ये चीजें तो ना हो रखी है दुनिया में, ये पहाड़ ऐसे खतरनाक थोड़ी है। जिस तरीके से आप सवाल करके बोल रहे हैं कि पहाड़ में नहीं हो सकती चीजें, ऐसा कहाँ होता है? एजुकेशन की बात करें, एक अच्छा टीचर होगा तो पहाड़ में नहीं पढ़ा सकता है। हेल्थ की बात करें, अगर एक अच्छा डॉक्टर होगा तो ऊपर नहीं कर सकता, मैं तो रहता ही पहाड़ में हूँ। आज अगर हम बोले कि पहाड़ में ट्रेन चलेगी, ये तो मजाक वाली बात है। ट्रेन को क्यों नहीं जाना चाहिए पहाड़ में, ये असली बात है। और वो सर यही बोल रहे हैं कि हमारी नीति और नियत जो है किसी मकसद के लिए है कि हमने पहाड़ों को और अच्छे तरीके से उजागर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आज के काफी हो गए, अब कल